Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आपका वापस से बहुत बहुत स्वागत है मिनी मिर्चा क्लासिक की लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार, ये टिप्स भी आपके मैचेस में काफ़ी हेल्प करेंगी और आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, आपको एनिमी का रिएक्शन वही देखने को मिलेगा गाइस। हाओ, तो गाइस यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार आप कमेंट में ना अच्छे अच्छे मिथ्स लिख दो, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मिथ्स पर, हम आपके मिथ्स को ट्राई करेंगे। एंड आप बता भी सकते हो कि हमको कौन से पार्टिकुलर मैप्स की और टिप्स एंड ट्रिक्स लानी चाहिए। तो गाइज यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। सो गाइज, हमारी फर्स्ट टिप हाई टावर के मैप में वर्क करती है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं एक रैंडम प्लेयर के साथ इस टिप को ट्राई कर रहा हूँ। तो देख सकते हो मैंने इनको कह दिया भाई रश करो। एंड गाइज, अब देख सकते हो मेरी हेल्थ भी कम है, तो यार मेरे को इससे फाइट तो नहीं लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कैम करूँगा। बट यार, इस टिप का यही है कि आप हल्का सा पीछे हो और यार आपको मारने तक की ना थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। और आपने देखा होगा मैंने उस प्ले को हेड शॉट मारा था गाइस, बट पता नहीं यार वो मारा क्यों नहीं। तो यार ये टिप अगर किसी प्ले को नहीं पता होगा तो आप उसे आराम से डैमेज दे दोगे, या तो यार उसको आप पूरा फिनिश भी कर दोगे, जिससे यार वो एकदम सरप्राइज हो जाएगा गाइस। सो गाइस, हमारी सेकंड टिप तो यार ये है ना, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे पर अप्लाई की थी और ये टिप काफ़ी मज़ेदार है, मेरे को लगा आपको भी बताना चाहिए। तो देख सकते हो ये प्लेयर एक वुड के नीचे खड़ा है, बट मैंने इस साइड से ग्रेनेड फेंका और यार ये यहाँ से हटने की कोशिश करा और ये यहाँ पे आ गया, एंड देन मैंने इसको ईजिली किल कर दिया। आई नो मेरे काफ़ी सारे शॉट्स मिस हो गए, बट यार आपका अगर एम अच्छा होगा तो आप है ना इसको ईजिली किल कर पाओगे। तो गाइस यार, मैं ना इसको एक और बार ट्राई करता हूँ, उसमें मैंने अच्छे से इस प्ले को पहला शॉट मार दिया था। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ छोड़ना है एक ग्रेनेड। ग्रेनेड छोड़ दिया है, प्लेयर इस साइड है और गाइस फर्स्ट शॉट ही इसको लग गया, बट यार ये हेड शॉट था, पता नहीं मरा क्यों नहीं। एंड गाइस, अब है ना मैं इसको शॉट गन से मार दूंगा, ये प्लेयर भागने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस, ये रहा प्लेयर एंड बूम। सो गाइज, हमारी थर्ड टिप ये वर्क करती है आउटपोस्ट के मैप में। एंड गाइज यार, जो रैंडम प्लेयर हैं इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी टिप्स रिकॉर्ड कराने में, तो बिग शॉट आउट टू GST, इनका यूट्यूब चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज, इस टिप में क्या होगा, ये प्लेयर यहाँ से जाएंगे एंड गाइज मैं बीच में इनको आराम से किल कर दूंगा। यार मेरे काफ़ी सारे शॉट मिस हो गए थे क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था टिप को। तो गाइज यार, मेरे काफ़ी सारे शॉट मिस हो रहे हैं, यार ये मत कहना मैं नूब हूँ, बट क्या करें। तो गाइज यार, लास्ट अब मैं इसको हेड शॉट मारने वाला हूँ। एंड गाइज बूम, गाइज ये एकदम सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि यार जब मैं भी ऐसे गया ना साइड से, यार मैं खुद सरप्राइज हो गया क्योंकि मैं एकदम नादानों की तरह जा रहा था और आराम से इन्होंने मेरे को किल कर दिया। तो गाइज मैं होता तो यही कहता हाओ। सो गाइज, हमारी फोर्थ टिप, यार ऐसा तो आपके साथ हमेशा होता होगा, आपकी हेल्थ कम होती होगी और आप ऑब्स्टिकल के पीछे हो तो ग्रेनेड है ना प्लेयर इस टाइप से फेंकता होगा। तो गाइज यार, मैं यही कहूँगा आप है ना जल्दी से रश कर दिया करो, बिकॉज मैंने आपको पहले भी टिप्स में बताया कि अगर प्लेयर नीचे से ऊपर को रश करता है तो उसके चांसेस हो जाते हैं हेड पे ज़्यादा लगने के। एंड गाइज, इस क्लिप में भी यही हो रहा है, देख सकते हो प्लेयर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही यार मैंने रश कर दिया और गाइज बूम, यार उसको टाइम भी नहीं मिला कोई मूवमेंट करने का और यार वो भाग रहा था। अब गाइज, इस क्लिप में ना आप देख सकते हो ये है एकदम परफेक्ट, देख सकते हो फेंकने तक का भी टाइम नहीं दिया, उसी से पहले मार दिया गाइज। सो गाइज, फिफ्थ टिप में आप देख सकते हो एनिमी जहाँ पे बैठा है उसी जगह काफ़ी सारे लोग कैंप करते हैं, ज़्यादातर तो यार रॉकेट लॉन्चर के साथ, क्योंकि वो जैसे ही दीवार पे मारेंगे आप किल हो जाओगे। तो यार इसकी टिप आप सही से देखेगा, यहाँ पे मैंने प्लेयर को लिख दिया कि भाई स्केप करने की कोशिश करना। एंड गाइज, जहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑब्स्टिकल है वहाँ पे मैंने स्मोक फेंका और यार वो बाउंस करके एकदम प्लेयर के मुंह पे गया गाइज। एंड गाइज यार, उसको स्केप करने का तो टाइम ही नहीं मिला। सो गाइज, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक बोनस टिप भी मैं आपको देने वाला हूँ, ये टिप मैंने पहले बता चुका हूँ बट यार उस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था और यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है आउटपोस्ट की। तो यार देख सकते हो यहाँ से एक प्लेयर भागने की कोशिश कर रहा था एंड मैंने आराम से शूट कर दिया। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, वहाँ से सामने से भी प्लेयर मेरे को किल कर सकता है, बट देख सकते हो यहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ तो यार मैं हवा में हूँ, जिसका साफ साफ मतलब है कि अगर मेरे हेड पे लगी ना एक गोली तो मैं वहीं टहल जाऊँगा।
गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये एनिमी अब मेरे पे ट्राई कर रहे हैं एंड मैं इनको शूट करने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने आराम से किल कर दिया। तो यार ये टिप है ना काफी मजेदार है आउटपोस्ट के लिए। सो गाइस इन टिप्स का है ना आप अपने मैच में जरूर यूज कीजिएगा, आई एम डैम श्योर ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिएगा, हम लाइक एम रखते हैं 30 का, आई एम डैम श्योर आप कंप्लीट करा दोगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, हम 1K के काफ़ी क्लोज हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपको हमारे कंटेंट की। तो गाइस यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।